फूड डिलीवरी कंपनी है जोमैटो, उन्होंने पिछले दिनों अपना नया एड कैंपेन शुरू किया था। जोमैटो के इन एड्स में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स नजर आ रहे थे। इनमें जोमैटो के डिलीवरी बॉय ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के घर डिलीवरी करने जाते हैं और सामने उन्हें देखकर भी अपने काम के प्रति कमिटमेंट दिखाते हुए वहां से निकल जाते हैं। वे सेलिब्रिटी के चार्म में अपने काम को ना भूलते हुए सभी कस्टमर्स के प्रति समान भावना रखने का मैसेज देते हैं। जोमैटो ने इसकी टैगलाइन रखी है, हर कस्टमर है स्टार। इस एड के माध्यम से जोमैटो अपने डिलीवरी बॉयज के कमिटमेंट को तो दिखाना चाहता ही है, साथ ही ये मैसेज भी देना चाहता है कि चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आम इंसान, उनके लिए हर कस्टमर एक जैसा है। समय पर डिलीवरी करना उनका मेन मोटो होता है, मगर इस एड की सोशल मीडिया पर तारीफ के जगह खूब आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि जिस दौर में वर्किंग कंडीशंस को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, ऐसे में जोमैटो का एड उस सारी बहस पर पानी फेरने जैसा लगता है। लोगों ने इस एड की सोशल मीडिया पर जमकर धज्जियां उड़ाई। कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा है कि इस विज्ञापन में केवल दिखावा किया जा रहा है, जबकि कंपनी डिलीवरी बॉयज के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं रखती। वहीं कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि लोगों ने कहा है कि वर्तमान माहौल में कंपनी के पास इतने बड़े स्टार्स को हायर करने का पैसा है और डिलीवरी बॉयज जैसे जरूरतमंदों पर उनकी बुरी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर चारों तरफ से आ रहे क्रिटिसिज्म को देखते हुए जोमैटो ने इस मसले पर, यानी कि इस मामले पर अपना पक्ष रखा। जी हाँ, जब इस नए ऐप ने सोशल मीडिया का पारा चढ़ाया तो कंपनी ने ट्विटर पर आकर सफाई दी। जोमैटो ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि उन्होंने ये ऐड काफी समय पहले प्लान किया था और इसकी शूटिंग 2 महीने पहले ही की गई थी। उस वक्त इस तरह का कोई माहौल नहीं था जहां डिलीवरी बॉयज की सैलरी या काम करने की कंडीशंस पर सवाल उठ रहे हों। कंपनी ने आगे ये भी कहा कि इस एड के थ्रू वे डिलीवरी बॉयज के महत्व, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस को दर्शाना चाहते हैं, ताकि पहली बात लोग उनकी इज्जत करें, दूसरी बात लोग डिलीवरी करने वाले बॉयज को अच्छे से ट्रीट करें, सम्मान दें और उसी तरह से पेश आए जैसे एड में ऋतिक और कैटरीना पेश आते हैं। साथ ही डिलीवरी करने के काम को जिस नजर से देखा जाता है उसमें भी सुधार आए। साथ ही ये भी साबित करना कि हमारे लिए हर कस्टमर स्टार है, वो किसी मायने में ऋतिक या कैटरीना से कम नहीं है। जोमैटो बेसिकली ये कह रहा है कि इस एड को बनाने के पीछे उसकी नियत बिल्कुल साफ है, मगर लोगों ने इस एड का गलत मतलब निकाल लिया है। हालांकि वर्किंग कंडीशंस और पेमेंट को लेकर जो भी बातें हो रही हैं, उस पे उनकी नजर बनी हुई है। वो एक कंपनी के तौर पर लगातार उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के साथ मैं थी चेल्सी सिंह। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल करें।